प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम होने पर राजस्थान के गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इस दौरान अनलॉक 3 की गाइडलाइन में काफी रियायतें दी गई हैं, तो वहीं छूट का दायरा भी बढ़ाया गया है। अनलॉक 3 में वीकेंड कर्फ्यू अब सिर्फ रविवार को रखा गया है। इसके साथ ही मॉल्स, रेस्टोरेंट, मेट्रो और सिटी बसें अनलॉक कर दी गई हैं। प्रदेश के सभी शहरों में सिटी बसों के संचालन को अनुमति मिल गई है। ये बसें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक चलाई जा सकेंगी। इसमें किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर करने की इजाजत नहीं होगी। वीकेंड कर्फ्यू के दिन सिटी बसों का संचालन बंद रहेगा। इधर जयपुर में मेट्रो का संचालन भी शुरू होगा, जिसके लिए जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन अलग से टाइम टेबल जारी करेगा और गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। वहीं मॉल खोलने के लिए शर्तें रखी गई है। मॉल सोमवार से शनिवार तक खुल सकेंगे, लेकिन उसमें मौजूद सभी दुकानें एक साथ नहीं खुलेंगी। नई कंडीशंस के मुताबिक अल्टरनेट डे पर फ्लोर वाइज दुकानें खोली जा सकेंगी। अगर पहले दिन बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर की दुकानें खुलेंगी, तो अगले दिन ग्राउंड फ्लोर और दूसरे फ्लोर की दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं जिम और योगा सेंटर के साथ ही खेलकूद संबंधी गतिविधियों के आयोजन को भी अनुमति दे दी गई है। ऐसे में अब स्टेडियम भी खुल सकेंगे। राजस्थान में अनलॉक 3 के तहत नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। काफी रियायतें नई गाइडलाइन में दी गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण। हनुमंत सिंह, नई गाइडलाइन जारी की है, प्रदेश में और छूट दे दी गई है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण जो है कहीं कहीं अब बिल्कुल कम होता नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने जो है अब छूट का दायरा बढ़ा दिया है। वो छूट का दायरा जो है आज 16 जून से प्रभावी हो गया। इसमें खास तौर से सबसे बड़ी बात निकल के ही आ रही है, इसमें एक तो जो सिटी बसें जो बेहद बंद थी शहरों में, वो आज से चालू कर दी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिम सेंटर, योगा सेंटर थे, उनको भी जो है चालू कर दिया गया। कहीं कहीं फिटनेस को लेकर लोग परेशान हो रहे, तो उनके लिए भी एक राहत भरी खबर होगी, उनको भी जो चालू कर दिया गया। इसके अलावा वीकेंड कर्फ्यू का जो समय है वो घटाकर कम कर दिया गया। अब वीकेंड कर्फ्यू जो है शनिवार शाम 5 बजे से लेकर सोमवार 5 बजे तक, यानी रविवार का दिन, यानी वीकेंड कर्फ्यू का जो समय है वो अब कम कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो है कार्यालय की संख्या है, जहां 10 से कम कार्मिक है वहां पर 100% कार्यालय जो है खोलने के आदेश दिए। इसके अलावा जहां पर 10 से अधिक कार्मिक है वहां 50% क्षमता के साथ कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अलावा खेलकूद की जो गतिविधियां है वो लंबे समय से बंद थी। स्पोर्ट्स अकेडमियों में जो बच्चे कहीं कहीं जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि स्पोर्ट्स अकेडमियां भी खोलने की शर्त दे दी गई। इसके अलावा जो मॉल थे उनको भी खोलने की परमिशन दी गई है। इन सभी को खोलने की परमिशन दी गई है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की शर्तें रखी गई है, उनकी पालना करनी आवश्यक होगी। जी आशीष जी, बिल्कुल हनुमंत, जिस प्रकार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है और राहत लगातार दी जा रही है, तो लेकिन वहीं साथ ही एक चुनौती ये है कि जो लोग संक्रमित आ रहे हैं, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, उनकी फैमिली को ट्रेसिंग करने का काम क्या सरकार की ओर से किया जा रहा है? अगर उन्हें ट्रेसिंग नहीं किया जाता है, उन्हें अगर पाबंद नहीं किया जाता है, तो वो लोग मार्केट में आएंगे, वो लोग सफर करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेंगे, तो फिर वैसे ही ये कोरोना की रफ्तार फिर से गति पकड़ेगी और कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में सरकार की ओर से क्या प्लानिंग की गई है, जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं उनको ट्रेस किया जाए, उनको पाबंद किया जाए, उनकी फैमिली को पाबंद किया जाए, उनको घरों में रखा जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके? जी बिल्कुल, कहीं कहीं ये बात सही है कि हालांकि अभी भी कोरोना संक्रमित आ रहे हैं लेकिन बहुत कम आ रहे हैं, तो ऐसे में ये सरकार को ये तरफ से लगातार जो है ये भी कहा जा रहा है कि जो भी संक्रमित हो रहे हैं उन के परिवार को कहीं कहीं जो है घरों से भी बाहर न निकलने दिया जाए या सावधानी बरती जाए। पूरी तरीके से जो भी संक्रमित आ रहा है उनको आइसोलेट किया जाए ताकि परिवार के अन्य लोग संक्रमण ना आए, और परिवार के अन्य लोग अगर बाहर निकलते हैं तो उनसे कहीं कहीं वो भी खतरा बना रहता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार ये भी जो है विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है कि जो भी लोग संक्रमित आ रहे हैं तो उनके आसपास के नजदीक लोगों को भी जो है टेस्टिंग कराई जाए। इसके अलावा उन पर जो है नियंत्रण भी रखा जाए ताकि ये संक्रमण का दायरा जो है आगे ना फैले। लेकिन ये बात लोगों को अभी समझने की जरूरत है, जिस तरीके से कोरोना की पहली लहर धीरे धीरे जैसे ही कम हुई थी तो लोगों ने कहीं कहीं लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी कि कोरोना अब चला गया है, लेकिन अभी लोगों को समझने की जरूरत है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है।
सावधानी जरूरी है। अगर सावधानी नहीं रखी तो कहीं कहीं तीसरी लहर का जिस तरीके से विशेषज्ञ अंदेशा जता रहे हैं तो वो ना आ जाए, इसके लिए हमें पहले से ही जो है सावधानी बरतनी होगी। भले ही कोरोना चला गया लेकिन हमें जो कोरोना की गाइडलाइन या प्रिकॉशन है अभी कुछ और दिन इसी तरीके से फॉलो करने होंगे जैसे कि अभी वर्तमान में कर रहे हैं। जी आशीष जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बसों में खड़े रहकर यात्रा नहीं कर सकते, जिस प्रकार से मॉल्स में अलग अलग फ्लोर्स के अनुसार दुकानें खोली जा सकती है, तो इनकी पालना कौन करवाएगा? क्या इसके लिए स्पेशल कमेटियां गठित की गई है जो कि इनकी पालना करवाएगी? जी बिल्कुल, इसके लिए लगातार इनको जो भी मॉल्स वगैरह है इनको ये भी कहा गया है जिस तरीके से कि इनको वेब पोर्टल पर सूचना भी डालनी होगी। इसके अलावा बसेस की बात की जाए तो बसों के लिए ये कहा गया है कि बस में खड़े रहकर कोई भी यात्रा नहीं कर रहा है। इसके अलावा मेट्रो सेवा भी आज से चालू की गई है, उसमें भी यही गाइडलाइन रखी गई है। तो उसका कहना है कि कहीं कहीं बसों में जो है संक्रमण का खतरा अधिक रहता है क्योंकि लोग बसों में जिस तरीके से अगर बात की जाए तो शहरों में अधिकतर सिटी बसों में जो है कहीं के लोग खड़े रहकर यात्रा करते हैं। तो उसके लिए सरकार ने ये निर्देश दिए हैं, सख्त तौर पर इस गाइडलाइन की पालना के लिए भी कहा गया है। लगातार प्रशासनिक अधिकारी भी मॉनिटरिंग करेंगे कि गाइडलाइन का कहीं भी अगर उल्लंघन होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि संक्रमण की जो चेन है जो अब कम होने लगा है उसको दोबारा न उठने दिया जाए ताकि संक्रमण से बचा जा सके। बिल्कुल हनुमंत, जिस प्रकार से लॉकडाउन में सभी टूरिस्ट प्लेस बंद थे, अब अनलॉक कर दिया गया है, टूरिस्ट स्पॉट्स को खोल दिया गया है, ऐतिहासिक स्मारक संग्रहालय इनको खोलने की इजाजत दे दी गई है, इनके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है, किस प्रकार से लोग यहां पर आ सकते हैं ताकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा सके और एक लिमिटेशंस में इनकी विजिट की जा सके? जी बिल्कुल आशीष, जो है आज एक अच्छी बात यह है कि पर्यटकों के लिए भी जो है राजस्थान के सभी पर्यटन स्थल है वो खोलने के आदेश दिए गए। वहीं दो दिन पहले केंद्र सरकार ने भी आज की तारीख से ही 16 जून से केंद्रीय जो संग्रहालय है उनको भी खोलने की अनुमति दी गई। तो ऐसे में सभी प्रकार के जो टूरिस्ट स्पॉट है वो आज से खोल दिए गए हैं। इसमें शर्त ये रखी गई है कि आपको बिना मास्क प्रवेश नहीं दिया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, हाथ सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके अलावा आप जहां भी पर्यटन स्थल पर जाएंगे तो उसमें 4-5 लोगों के ग्रुप को अंदर आने दिया जाए, इसके बाद 4-5 मिनट के अंतराल के बाद दूसरे ग्रुप को आने दिया जाएगा। जयपुर के तो जयपुर में आमेर फोर्ट के अंदर जो हाथी सवारी लंबे समय से बंद थी, राज्य सरकार ने अभी हाथियों के लिए कुछ पैकेज का भी ऐलान किया था लेकिन हाथी संचालक है वो कहीं कहीं बड़े मायूस थे कई दिनों से क्योंकि हाथी का एक बड़ा मोटा खर्चा आता है। तो अब सरकार ने हाथी सवारी 50% क्षमता के साथ शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। तो एक हाथी महावत है उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जो रात्रिकालीन पर्यटन है, चूंकि अभी शाम को 5 बजे बाद जो कहीं कहीं कर्फ्यू लागू हो जाता है तो ऐसे में अभी रात्रिकालीन पर्यटन बंद रखा गया है। इसके अलावा जो लाइट एंड साउंड शो होते थे आमेर वगैरह में तो वो भी अभी फिलहाल बंद रखे गए हैं, लेकिन पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है कि दोबारा खोल दिया गया है। इसके अलावा अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि कोरोना गाइडलाइन की पूर्ण पालना कराई जाए, मॉनिटरिंग करेंगे अधिकारी खुद, ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बिना मास्क नहीं आया, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखी जाए। तो इस तरीके की तमाम जो गाइडलाइन है वो इन जो है पर्यटन स्थलों पर भी देखने को मिलेगी। अभी जो है पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, हवा महल की बात की जाए या आमेर की बात की जाए, अल्बर्ट हॉल की बात की जाए, तो ऐसे में पर्यटक जो लंबे समय से कोरोना में कहीं कहीं लोग जो है घरों में कैद थे तो उनके लिए अच्छी खबर है कि लोग जा सकेंगे, लेकिन लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं सरकार को भी जो है इन पर्यटन स्थलों पर कोरोना की गाइडलाइन की पालना के लिए सख्त रहना होगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता हनुमंत सिंह चारण, जिन्होंने बताया कि अनलॉक 3 की प्रक्रिया लगातार जारी है, नई गाइडलाइन जारी कर दी है, कई सारी रियायतें इसमें दी गई हैं टूरिस्ट प्लेस